सिलेंड्रिकल शेप में पीले, गुलाबी, संतरे और अलग अलग कलर्स में ये रेन लिली कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। और जब बारिश का मौसम हो और ये अचानक से ग्राउंड से बाहर आ जाए और खिलने लगे तो वाह भाई वाह। हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो चलिए बात करते हैं आज रेन लिली के बारे में। वैसे तो एक छोटे से गमले को भी रेन लिली पूरा फूलों से भर देती है, पर अगर आप इसे ग्राउंड कवर के लिए यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। बरसात के समय ये फूल पॉप होके ज़मीन से बाहर आते हैं और पूरा येलो येलो आपके गार्डन को भर देते हैं। वैसे बाकी समय ये बल्ब बन के ज़मीन के अंदर रहते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो आपके बालों की तरह यानी कि हेयर स्ट्रैंड्स की तरह होती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे साल भर इन रेन लिलीज़ में फ्लावर नहीं आते और जैसे ही पानी की बूंदें इनकी बल्ब पे या मिट्टी पे पड़ने लगती है तो ये जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और इनमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा गमला दिखाती हूँ। ये देखिए, इस छोटे से गमले में एक छोटा सा प्यारा सा रेन लिली खिला हुआ है। तो ये है आपका रेन लिली का पौधा जिसमें इसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं। शुरू में जब आप रेन लिली को लगाते हैं तो इसे बल्ब या फिर आप सीड्स दोनों से लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको येलो रेन लिली के बल्ब या सीड्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लिटिल गार्डन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सीड्स से लगाए हुए जो पतले वाले पत्ते हैं ये सीड से लगे हुए हैं और ये जो मोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये बल्ब से लगे हुए हैं। तो हाँ, सीड से बल्ब बनने में थोड़ा वक्त लगता है जिससे पत्तों के आकार में भी फ़र्क आता है। या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका बल्ब है और ये बल्ब जहरीला होता है, तो आप बिल्कुल इसे खाने की कोशिश ना करें, ये एडिबल नहीं है। और ये जो रेन लिली आपको दिखाई दे रही है इसे उगाना काफ़ी ईजी है, मैंने जैसा कि आपको बताया। इसकी केयरिंग भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब तक बल्ब आपका लगा हुआ है आपको इसे पानी देते रहना होता है। इवन इफ अगर उसकी पत्तियाँ मौसम के अनुसार सूख जाएं, तब भी इसके जो बल्ब है वो मिट्टी के अंदर दबे हुए रहते हैं और जीवित रहते हैं। रेन लिली में खूब सारे सीड्स आते हैं, तो अगर आप इसे एक जगह लगा देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसके सीड्स एक गमले से दूसरे गमले में ना आएँ, वरना आप देखेंगे कि गमलों से फैलते हुए आपके पूरे गार्डन में रेन लिली बसेरा कर लेगा। साथ ही इनके बल्ब को गमले से निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी गहराई पर होते हैं, तो आप इन बल्ब को निकालते वक्त दूसरे पौधों की जड़ों को भी ख़राब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कलर्स रेन लिली में होते हैं। स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारी कलरफुल वैरायटी रेन लिली की दिख रही होगी। ऐसे में आप चाहें तो अपना गार्डन सिर्फ रेन लिली से भी बना सकते हैं और फूलों से भर सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।